गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप लोग उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो यार आज का व्लॉग हमारा संडे का दिन है, तो हमारा एक पुराना ओल्ड बडी, हमारा पुराना दोस्त जो है सऊदीया से आया था, हमने कहा चले मुलाकात कर लें उनसे। और काफ़ी टाइम बाद में मिल रहा हूँ उससे, तकरीबन काफ़ी टाइम बाद में मिल रहा हूँ। आई थिंक मे बी 10 to 12 years बाद। हम लोग क्लास में इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे ही रहे हैं काफ़ी टाइम। आई मीन वन क्लास से तो खैर नहीं, कुछ क्लासों के बाद ये कंबाइन हुई थी हमारी क्लास, तो फिर उसके बाद हम जो है मैट्रिक तक साथ थे, उसके बाद कॉलेज भी साथ थे। जल्दी में बोल, एक्साइटमेंट में बोलना ही नहीं हो रहा। तो आपसे ज़रूर मिलवाते हैं अगर भाई साहब आना चाहे तो कैमरे में, अगर नहीं आना चाहे तो भी बता देंगे आप। मैं ब्लॉग में डालूंगा छोटा जी। गैस तो ये हमारे फ्रेंड हैं, तकरीबन हम 12 से 13 साल बाद मिल रहे हैं आपस में। और जो है ये बचपन के पुराने दोस्त हैं हम स्कूल के। ये हमारे मोहसिन भाई हैं और ये भी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, काफ़ी टाइम से हमारे साथ। और हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, और हम साथ हैं। और मैंने कहा एक मेमोरी बना लेंगे आप लोगों के साथ, शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सर्टिफाइड है ये कौन सा सॉरी बोल रहा था सर, ये बस फिर टेंशन है। थर्टी थ्री वॉट का चार्जर है जी इनका, साथ में चार्जिंग केबल, हैंड फ्री कोई नहीं। जी ये लिया हमने मोबाइल Redmi Note 11 जी, ये लिया। फिलहाल इसमें कुछ हो रहा है मेगापिक्सल बैटरी किसकी, इसकी कितनी है? 4000 है, 4000 क्या मतलब मैं तुझे बता पहले जी। गाइस तो हम जी हमने बड़ा एंजॉय किया, हम मैकडॉनल्ड्स भी गए, चाय पी हमने, बाबा साले से हमने खाया जनाब, पिज़्ज़ा खाया हमने, वी एंजॉयड इट। दरअसल एक फ्रेंड से मैं तकरीबन मिला हूँ 12 से 14 साल हो गए फिलहाल भाई, अल्लाह ताला उन्हें जजाए खैर दे, उनका हज कबूल करे, वो अभी रिसेंटली हज करके आए। और मोहसिन से मैं तकरीबन, जो मेरे दूसरे भाई थे उनसे तकरीबन मैं मिला हूँ तकरीबन 3 से 4 साल बाद, बिकॉज़ मैंने हमने नया घर खरीदा था तो उसके बाद हम इधर आ गए थे। तो हमारी दरअसल अक्सर मुलाकात जिम में होती थी, तो ये भाई साहब कार्डियो करते थे और हम जो है वेट लिफ्टिंग के साथ साथ कार्डियो भी। लेकिन ये है कि वी इंजॉयड इट, हमने कंपनी इंजॉय की। मैं 12 बजे आया था और अब मैं 4:45 हो गए हैं, वी इंजॉयड 5 आवर्स। और इंशाल्लाह हम दोबारा भी मिलेंगे इंशाल्लाह, अगर देख रहे हैं बिलाल भाई ज़रूर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और हमारी तरफ से जी, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम मिलते रहें ऐसे, और हमारे जितने भी दोस्त हैं हम उनके साथ अपनी नाराज़गियाँ दूर करेंगे, और हम इंशाल्लाह से इंशाल्लाह बाकी दोस्तों से भी मिलेंगे और आपको मिलवाएंगे। और जो है अभी हमारी दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह, हम मिलेंगे। हमने एक और फ्रेंड है उनके घर भी जाना है, तो जिस दिन चक्कर लगता है उस दिन हम आपको भी अपने साथ रखेंगे। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते रहा करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लोगों को बताएँ ताकि हम आपके साथ रहें और आप हमारे साथ रहें जी, ताकि हम आपके साथ रहें और आप हमारे साथ। तो जी हाँ जी, अब हम घर जा रहे हैं, घर जा के मुलाकात होती है। और बीवी बच्चे जो हैं काफ़ी टाइम से बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वेटिंग फॉर मी, बेटी भी इंतज़ार कर रही है कि पापा किधर चले गए, संडे का दिन है। और बाकी का संडे जो है, और बाकी का संडे जो है अब हम अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारेंगे, बाकी का टाइम शाम का वक्त है, शाम होने वाली है अभी एटलीस्ट,
मुख्तसर होगी, हमने नमाज भी इकट्ठे पढ़ी बल्कि दोस्तों ने, तो चले घर चलते हैं। अच्छा जी, हम अब अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, थोड़ा टाइम शाम में बच्चों को भी देंगे, संडे है ज़ाहिर आपको पता है, मसा मसा एक छुट्टी मिलती है हमें रो रो के। और जो है हम दरअसल वो फ्रेंड्स हमारे आए थे, तो आपका जी कोई सवाल बेगम का जी, कोई सवाल है आपका? बेगम पूछ रही हैं, बेगम ने पूछा है जी हमें जो है ज़्यादा कौन से फ्रेंड्स जो मैं कॉलीग के साथ थोड़े टाइम पहले मिला था उनके साथ मज़ा आया ज़्यादा था, इनके साथ मैं को कहूँगा कि ज़्यादा इनके साथ मज़ा आया, बिकॉज़ ये मुझे जानते हैं जब मैं 7-8 साल का था। और कॉलीग्स का तो ये होता है कि वो आपको जानते हैं जब आपने जॉब स्टार्ट की, जब आप जिम्मेदार बने, तो ये आपको तब जानते हैं जब आप जब आप बिल्कुल लुकड़ होते हो लाइफ में, आपके पास कुछ भी नहीं होता, आपने बस स्टूपिडिटी करनी होती है लाइफ में। तो इनके साथ मज़ा इसलिए ज़्यादा आया, और इनके साथ काफ़ी पुरानी मेमोरीज़ भी हैं। मैं बिलाल की तरफ अक्सर जाता होता था प्ले स्टेशन खेलने, एंड आई एंजॉय एवरी मोमेंट। मैं आज भी उसको याद करता हूँ मेमोरी को, और मुझे अच्छी तरह से याद है। और मैं बल्कि बिलाल के कज़न्स के साथ गेम्स खेलता था, मोहसिन को इतना शौक़ नहीं था गेम्स वगैरह का, लेकिन मोहसिन के साथ हम आवारा गर्दियाँ करते थे। हमारे जो मोहसिन साहब वो थे, मोहसिन भाई, उनके साथ हम आवारा गर्दियाँ करते थे, यानी कि कहीं जाना है तो एरिए में फिरना है, पैदल फिरना है, तो ज़ाहिर है वो हमारा मौसम के साथ था। और साइकिल लेनी, किसी की चलानी, और बस पूरा एरिए की रोड है ना अपनी, तो वो मौसम साहब के साथ था। घर में बैठ के अगर खेलना है तो बेस्ट तरीका वही था, बिलाल के घर चले जाओ। अक्सर मैं मगरिब पढ़ के जो है या इशा के टाइम या इशा से थोड़ा सा टाइम पहले जल्दी से पूछ लेता था अपनी नानी माँ से कि मैं बस आ रहा हूँ अपने दोस्त के घर जाके, तो इसी तरह ही था, मुझे तो ज़्यादा मज़ा उधर आया। अगला सवाल, अच्छा जी बेगम का सवाल है जी, दोनों की पर्सनालिटी बचपन में जो थी और फ्रेंड्स की, अब मैं उनमें और उसमें क्या फ़र्क है, अभी वो चेंज हुए हैं कि नहीं? हाँ भाई, चेंज हुए हैं। दरअसल पहले बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया, वो बिल्कुल थे लफंडर थे हम, और अब जो है ज़िम्मेदार हैं सारे, और कॉन्फिडेंस देखा है मैंने उन दोनों में, विच इज़ गुड एक्चुअली, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि सारे बीवी बच्चों वाले हैं, और बीवी बच्चों वाले जो होते हैं फैमिली वाले, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर लाइफ गुजारे बगैर फिर आप कैसे गुजारोगे जाते हैं। तो उन दोनों में सबसे अच्छा चेंज यही है कि दोनों में कॉन्फिडेंस है, लेकिन उनके माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, जो कि अच्छी बात है। और आपने अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है, सो यू हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अच्छा जी, बेगम का सवाल है जी, फ्यूचर प्लान्स उन दोनों के क्या हैं? और आई थिंक सारों के भी वही होने चाहिए अच्छे, वो तो खैर मैंने उनसे नहीं पूछा इतना, बट आई एम श्योर कि उनके फ्यूचर प्लान्स उनके कॉन्फिडेंस के हिसाब से देखा जाए तो अच्छे ही हैं। बिलाल का अल्लाह ताला कोई ना कोई बिज़नेस वगैरह करवाए, अल्लाह करे उसका कोई अच्छा बिज़नेस हो जाए, और उसके ताकि सिस्टम चलता रहे, बिकॉज़ उसके वालिद साहब ने भी बिज़नेस के ही ऊपर ज़्यादा गौर फिक्र किया है, और बिलाल के जो वालिद साहब हैं, बल्कि बिलाल के वालिद साहब ने जॉब भी की अपनी लाइफ में और बिज़नेस दोनों किए, और वो बल्कि जिधर जॉब करते थे कॉलेज में, वहाँ पे शोएब अख्तर साहब, ये हमारे जो क्रिकेटर हैं, वो वहाँ पे बॉल करवाते होते थे, उन्होंने लिटरली उनको लाइव देखा हुआ है बॉल करवाते हुए। और ये तब की बात है जब शोएब साहब के बुरे हालात थे, यानी कि जब शोएब साहब गरीब थे, बिल्कुल फेमस नहीं हुए थे, और ये भाई साहब ने हमारे गाड़ी रोक ली। अच्छा, बुला रहे हैं, यानी कि वो फेमस नहीं हुए थे तब की बात है, वो इन्होंने देखा हुआ उनके वालिद साहब ने, तो या ही वॉज अ गुड गाय, और उनके वालिद साहब भी अच्छे हैं, उनकी वालिद और वालदा अमीन। उन्होंने मुझे कभी बचपन में कुछ नहीं कहा, मैं अक्सर उनके घर घुस जाता था, हाँ भाई गेम खेल ले। फ्यूचर प्लान उनके अच्छे हैं, होपफुली अच्छे ही रहें। वो भी जो है मोहसिन भाई भी मुझसे पूछ रहे थे, अल्लाह करे उनका भी कोई ना कोई सिस्टम लग जाए ताकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकें, और बेहतरीन अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। अगला सवाल जी, बेगम का सवाल है जी, बचपन में हमने जो मेमोरीज़ रिकॉल की हैं, और अब जो वो मेमोरीज़ दोबारा रिकॉल की कुछ उस एरिया में फिर के, तो हमें कैसा फील हुआ? तो हमें फील बहुत ज़बरदस्त फील हुआ,
ऐसे लग रहा था कि हम वापस हम टीन एजर में चले गए, आई मीन टीन एजर से भी पहले, मतलब जो आप होते हो 12-13 साल के, ऐसे यही फील हो रहा था कि बस हमारे पास गाड़ी है, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और हमारी उम्रें वैसी की वैसी हैं और हम उम्र में बड़े नहीं हुए, हम अभी भी वैसे के वैसे ही हैं और हम बस अभी बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं, हमें एक दूसरे की कहानियाँ, क्योंकि ज़ाहिर है एक फ्रेंड से मैं मिला हूँ तकरीबन 14 ईयर्स के बाद और जो दूसरे हैं मोहसिन भाई, तो उनसे तो चलो मैं जिम में मेरी मुलाकात हुई थी आज से तकरीबन 2-3 साल पहले और फिर बाद में मुलाकात इस वजह से नहीं हुई क्योंकि मेरा घर ज़रा दूर था और जिम में ही ज़्यादा होती थी, तो जिम जो है वो छोड़ गया है, तो फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से जो है इशू बन गए थे, लेकिन ये है कि हमें तो बड़ा मज़ा आया भाई, ऐसे लग रहा था हम वैसे की वैसी उसी उम्र में वापस चले गए, जो है हमें जो हमें यानी कि फील हुआ कि जैसे हम दोबारा यंग एज में चले गए और हम दोबारा टीनेजर बन गए और अभी हम स्कूल जाएंगे सुबह अगले दिन सो के उठ के तैयार हो गए। तो जी गाइस, अल्लाह ताला आप लोगों को जितने भी दोस्त हैं उनको खुश और बहाल रखे, और अगर दोस्तों के साथ नाराज़गी है तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा उन नाराज़गियों को दूर करें, क्योंकि दोस्तियाँ पुरानी दोस्तियाँ ख़ासतौर पर जो फ्रेंडशिप स्कूल की लाइफ की है ना, ट्राई टू गेट इन टच विद देम, उनके साथ रब्ता करें, उनके साथ मिलें, क्योंकि ये वो वक्त है जो आपको जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आपको लगेगा कि शायद मैं बेहतर लाइफ बना सकता था बाकायदा उनको टाइम दे के। लाइफ तो आप गुजार रहे हो, नमाजें पढ़ो, रोज़ा रखो, अल्लाह को याद करो, ठीक है, लेकिन ये है कि दोस्ती जो है दोस्ती को हमेशा कायम और दायम रखें, क्योंकि दोस्ती के अलावा जो है आपको आपकी लाइफ बोरिंग हो जाती है। पपी चेक करें, पपी खड़ा हुआ, पपी क्यों खड़ा हुआ ऐसे? बेहतरीन मौसम है गाइस, वाह क्या बात है, बादल बड़े प्यारे लग रहे हैं, लेकिन शाम के टाइम ही होते हैं, दिन में तो अजीब गर्मी थी आज।